नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार, मुबारक हो, मुबारक हो। अरे शौर्य बेटा, तुम यहाँ कब आए पुत्र? जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा किया कि तुम यहाँ आए। सरप्राइज है, लेकिन बहुत अच्छी सरप्राइज है। बड़ी मॉम, तो क्या है ना, आज राजवीर का रोका है, इतना बड़ा दिन है इसके लिए। हाँ, हमारे बीच में बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं, बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, बहुत फाइट्स हुई हैं, पर अब मुझे इसकी आदत सी हो गई और मैं इसके इतने बड़े दिन पर इसे ना मिलूं और इसे ना देखूं, ऐसे नहीं होता, इसलिए मैं आ गया। वैसे चुमकी वाली, आई मीन पलकी, सॉरी टू से, तुम्हारी चॉइस नहीं, बहुत ही गंदी है। इट्स सो बिलो एवरेज। तुम चाहती ना, तुम राजवीर से बेटर लड़का ढूंढ लेती। पर क्या करें, शायद तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। अब तो कुछ कर भी नहीं सकते, तुम्हारी शादी होने वाली है। ओह, आई एम सो सॉरी गाइस। आप सब सोच रहे होंगे कि शौर्य यहाँ पे क्यों आया है, क्या कर रहा है। लेट मी टेल यू गाइस, वो क्या है ना, मैं ज्यादा देर चुप नहीं रह सकता, स्पेशली तब जब मुझे सच पता। मैंने बहुत कोशिश की पर मैं चुप नहीं रह पाया, और आज तुम दोनों का रोका भी है, सो आई हैड टू टेल यू गाइस, इस इंसान की सच्चाई क्या है। ये लड़का जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं, जितना अच्छा लगता है उतना ही बुरा है। राजवीर एक ड्रग पेडलर है, ये ड्रग्स लेता और बेचता है, इसकी आदतें इतनी खराब है और बुरी है। राजवीर ऐसा नहीं है, शौर्य ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। हाँ, राजवीर ऐसा लड़का नहीं है, समझे, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। सही कह रहे, कोई मानने के लिए रेडी नहीं है कि वो ऐसा कुछ कर सकता है। मिस्टर राजवीर अरोरा, इंस्पेक्टर आप यहाँ? और आप ये राजवीर के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि राजवीर ड्रग्स पेडलर है, ड्रग्स डीलर भी। डाउनलोड कीजिए Z5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।